अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सो आज मैं आपको बताऊंगी अंडर आर्म्स के लिए और जो डार्कर एरियाज होते हैं हमारी बॉडी में, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम डार्कर एरियाज को किस तरीके से परफेक्ट कर सकते हैं, वाइटन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो बहुत इजी है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने इनका इस्तेमाल करना है। अंडर आर्म्स हो गए, डार्कर एरियाज हो गए, नकल्स हो गए इन पर, और गर्दन जो होती है हमारी काली हो रही होती है धूप की वजह से, या वैसे भी कुछ भी आप लगाते हो असर नहीं करता। तो ये एक ऐसा ब्लीचिंग इफेक्ट है कि ये लगाएंगे आप तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी और वाइटन हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल आपने करना है। इसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है बेकिंग सोडा और हमारे पास है लेमन, साथ में हमारे पास कोलगेट। कोई सा भी आप टूथपेस्ट वैसे यूज़ कर सकते हैं, पर कोलगेट अगर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है और हम एक पेस्ट रेडी करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे अपने डार्कर एरियाज पे। अंडर आर्म्स पे भी आप लगा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और जिनको एलर्जी होती है वो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपको इचिंग हो सकती है। वैसे इस इचिंग जो है वो थोड़ी बहुत होती है क्योंकि ये आप सोडा भी यूज़ कर रहे हो और आप कोलगेट भी यूज़ कर रहे हो, लेमन भी। लेकिन ये है कि अगर आपको एलर्जी होती है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे कोलगेट, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि कोलगेट को हमने लेना है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि जितनी क्वांटिटी आप टूथपेस्ट की लेंगे उतनी ही क्वांटिटी आपने जो है वो बेकिंग सोडा की भी लेनी है। हमने कोई भी चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना। अगर हम एक चम्मच कोलगेट का इस्तेमाल करें तो हम एक ही चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, हमने ज़्यादा नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये चीज़ हमने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। और उसके साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि हमने क्या, लेमन जो है वो हम चाहें तो इसमें ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। हाफ लेमन हमने यूज़ करना है, हम इसमें ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ड्रॉप्स नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से लेमन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया, हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, हम वजन लिया है दोनों चीज़ों को। अब लेमन को जो है वो हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमने लेमन में इन पेस्ट को लगाया और हम अपने डार्कर एरियाज पे इस तरीके से रब करेंगे, ठीक है। अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं आप, अपने एल्बो पे, कहीं भी आप लगा सकते हो, नकल्स पे लगा सकते हो, गर्दन पे लगा सकते हो, फेस पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। या आप देख सकते हैं इसको आप 15 मिनट्स के बाद जब वॉश करोगे तो आप रिजल्ट देखोगे। इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें और रिजल्ट देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।